आधे बाद फर्क पड़ गया हमारे, जब से ये वायरस कोरोना फैला जब से आधे भी ना जारी ना रहे, ना कोई आ रहा है टूरिस्ट, इसके चक्कर में ना कोई बाजार सुना पड़ रहा है। पहले कितना धंधा था और अभी कितना। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आधे आधे फर्क पड़ रहा अभी। काय का धंधा, काय की अपना काम, ये पूरी सब्जी का है। राजस्थान में 144 भी लागू हुई है। हां, इससे फर्क पड़ा है। उससे फर्क पड़ा है। आपका नाम? प्रकाश सोनी। बिल्कुल नहीं है, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है मार्केट की, मंडी की, बाजार की, जो पूरा धंधा 10 पे से भी धंधा नहीं हो रहा, ऐसी हालत है लोगों की। सब्जी फ्रूट खाना बंद कर दिया लोगों ने, फ्रूट बिल्कुल। क्या कारण? ये बीमारी के कारण से सब कुछ बंद कर दिया, हर जगह बंद हो चुका है, घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। हाँ, वायरस भी लागू हो चुकी है, इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं लोग। आपका नाम? शेरा जी। सर, हम फ्रूट का काम करते हैं, फ्रूट सब्जी का। धंधा चल रहा है? धंधा बिल्कुल मंदा है सर, बिल्कुल भी, हालात बिल्कुल ख़राब हो रही है। जब से ये कोरोना वायरस आया, जब से हमारी बहुत हालत ख़राब हो रही है। धंधा बिल्कुल बिल्कुल भी धंधा खत्म हो चुका है। अब क्या करें हम, 144 धारा लग चुकी है, उससे क्या करेंगे हम? अब क्या जाएंगे हम, गरीब आदमी? हम सब फ्रूट का लगाते हैं। किस जगह लगाते हो? पड़ाव मार्केट में। कैसा धंधा हो रहा है? धंधा बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से स्थिति ऐसी हो चुकी है, हम 100 रुपये भी नोच के कम नहीं पा रहे, स्थिति ऐसी हो चुकी है। आपका नाम? हमारा नाम किशन लाल कहार। बहुत फर्क कर रहा है धंधे में, बहुत यानी हो गई है, करीबन 40% भी धंधा नहीं है। क्या मानते हो? क्या करेंगे हम, ये कोरोना की वजह से सारा ही हुआ है। चाय की दुकान है आपकी? नाश्ते की है। कितना फर्क पड़ गया इस पर? बहुत फर्क पड़ रहा है, बता रहा हूँ ना, करीबन 60% फर्क पड़ गया धंधे में। और राजस्थान में इसमें तौले लागू भी हो गई है, उसकी वजह से भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेबर की तनख्वाह निकल रही है? नहीं। लेबर को कैसे तनख्वाह दोगे आप? अब यही क्या करें बता, अब धन दुकान बंद करने की वो गई स्थिति तो यही है। अब हमारे खुद के नहीं बनने हैं तो उनको क्या देंगे? किस जगह दुकान है? पड़ाव में। आपका नाम? होचंद मनवानी। अभी हमारे बिजनेस में भी कम से कम 50% की गिरावट तो आ चुकी है कोरोना की वजह से, और आज फिर गवर्नमेंट ने धारा 144 लगाई है, तो अब और भी फर्क पड़ेगा। हालत ऐसे आ चुकी है कि दुकानें बंद करने की नौबत आ चुकी है। कितनी लेबर कर रही है और किन कारीगरों की तनख्वाह निकल रही है? कारीगरों की तनख्वाह भी जेब से निकल रही है, अभी कोई भी नहीं है प्रॉफिट, सिर्फ लॉस में दुकानें चल रही है। क्या मानते हो आप, कैसा चल रहा है धंधा? धंधा तो बिल्कुल ठप हो चुका है, ये तो बस दुकानें जो खोल रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है दुकान का। चाय की दुकानों पे भी? चाय की दुकान पे भी वही हाल है, हमारी तीनों शॉप है, तीनों पे यही कंडीशन चल रही है, बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। किस चीज़ की दुकान है आप? हमारी ये एक अंडे की दुकान है, एक चाय की दुकान है और एक रोटी की है। तीनों पे काम ठप है? जी है, बिल्कुल ठप है काम। 50% से भी कम हो चुका है अभी। फिर आप कैसे कमाओगे, क्या करोगे? देखते हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं, क्या होता है। किस जगह दुकान है आपकी? पड़ा न्यू मेस्टिक सिनेमा पड़ाव। आपका नाम? अशोक पुरसानी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है, 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।